व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के स्पॉन्सरशिप के बारे में। तो वो भी स्पॉन्सरशिप देते हैं DNS के लिए, तो ये काफ़ी ईजिएस्ट मेथड है इसमें स्पॉन्सरशिप लेने का, और सबसे ईजिली तरीके से आप इसमें घुस सकते हैं और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का एक तरह से बोल सकते हैं सबसे ईजिएस्ट तरीका है। इसके डिमेरिट्स पे वो मैं आगे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दे रखा है क्यों ये ईजिएस्ट है। तो ये ईजिएस्ट इसलिए क्योंकि इसमें ना कोई आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, ना आपका इंटरव्यू, ना कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनती है IMU CET में जो आपका रैंकिंग आया उसके बेस पे। तो सबसे पहले बात कर ले इसका एलिजिबिलिटीज़ क्या है। तो देखिए, पहले तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तो जो आपका IMU CET का एलिजिबिलिटी है वही सेम इसका है। PCM परसेंटेज आपका 60% से ऊपर होना चाहिए क्लास 12th में। इंग्लिश में आपका 50% जाना ज़्यादा होना चाहिए, या फिर या तो 12th में या तो 10th में। रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5% का, और बाकी सारे एलिजिबिलिटीज़ जो हैं वो सब पूरे IMU CET के एलिजिबिलिटीज़ के जैसे ही हैं। फिर बात कर ले अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको IMU.edu.in पर जाके IMU CET के लिए अप्लाई करना है, जो कि आपने अभी कर लिया होगा। फिर इनका पोर्टल खुलता है, जो कि SCI का ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका पोर्टल खुलेगा अप्लाई करने के लिए DNS के लिए। वहाँ पे आपको जाके जो CET का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसके थ्रू आपको इनका फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म का कोई चार्ज नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्री है। बस आपको फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको ये जो नीचे जितने डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट आपको उनको मेल कर देना है। उनको मेल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है MTI@SCI.CO.IN, इस पर आपको मेल कर देना है। मेल करने के बाद फिर आपको मतलब इनका जब आपका रिजल्ट आ जाएगा CET का, तो उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे उसमें पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। जब हम पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आपको IMU CET के थ्रू पे, अगर आपका बन रहा है पूरा मेरिट लिस्ट, तो आपको IMU CET का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि अभी चल रहा है। फॉर्म आप भर सकते हैं, अगर फॉर्म नहीं भरना पता है कैसे भरते हैं तो आप मेरे पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आई कार्ड बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म भरना है। फिर आपको shipindia.com पे जाना है, वहाँ पे उनका एप्लीकेशन फॉर्म, जो इनका SCI का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर उनका फॉर्म भरना है, जो कि बिना किसी चार्ज का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे जाके बस आपको सबमिट कर देना है। फिर जब सारे फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, तो जो सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज़ होगी, जो डॉक्यूमेंट जो मैंने पिछले लिस्ट में दिखाया था, ये नीचे जितने ब्लू वाले कॉर्नर में लिखा हुआ है, ये सारे आपको उनको भेज देना है MTI@SCI.CO.IN। उसके बाद आपका स्टेप दिया है प्रिंट हॉल टिकट। आपका IMU CET होने वाला है, तो उसका एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपीयर होना है IMU CET में ऑनलाइन एग्ज़ाम में। फिर अपना रिजल्ट चेक करना है IMU.edu.in पर रिजल्ट आने के बाद। फिर आपको जो मेरिट लिस्ट रिलीज होगा SCI पे, उसको चेक करना है कि उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम उसमें है, तो यहाँ पर दे रखा है आपको रिपोर्ट करना है मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, SCI का एक कंपनी है और उसका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो MTI है, मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि है पोई मुंबई में। तो जो आपको मेल आएगा, इन्फॉर्म करेंगे वो मेल फ़ोन के थ्रू आपको कैसे वहाँ पर कब पहुँचना है, तो वो सब आपको वहाँ पर पता चल जाएगा मेल के थ्रू। उसके बाद मतलब बात कर लेते इसमें जो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपका सैलरी कम मिलता है नॉर्मली, ये मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये सेमी गवर्नमेंटल भी है, तो इसमें सैलरी आपको कम मिलता है। स्टार्टिंग में आपका बहुत ही कम सैलरी होता है, स्टिपेंड जैसे जिसको बोलते हैं, मतलब बाकी कंपनीज में जैसे 30,000-35,000 ऐसे है, यहाँ पे आपको जस्ट 15,000 के आसपास मिलता है। कैंपस MTI का बढ़िया है, मतलब एवरेज बोल सकते हैं, उतना बढ़िया नहीं है। प्लेसमेंट आपका 100% है, प्लेसमेंट आपको होना ही होना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बात करना था। और SCI मतलब एक आप बैकअप की तरह यूज़ कर सकते हैं, बैकअप के लिए भर सकते हैं फॉर्म वहाँ पे। अगर किसी में नहीं आपको स्पॉन्सर से मिला, तो आप इसमें जा सकते हैं। फर्दर आपका जब ऑफिसर रैंकिंग तक आप जब पहुँच जाएंगे, तो आप चेंज कर सकते हैं कंपनी को, आप SCI से किसी और कंपनी में जंप कर सकते हैं, अच्छे कंपनी में वहाँ पे। अगर आप सब आपके एक्सपीरियंस और आप कैसे वर्क करते हैं सब उसी पे डिपेंड करता है। तो आप इसको अभी बैकअप की तरह यूज़ करके बाद में जाके कंपनी जंप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट अबाउट इंडियन मर्चेंट नेवी।